हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स के हमारे पास एक्सरसाइज 5.3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.4। 5.4 में हमारे पास क्या, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ, हमें मेज़र करके बताना ए राइट एंगल। राइट एंगल है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ये हम शो ड्रॉ करके दिखा देंगे कि हमारे पास क्या है, 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, राइट एंगल कोई भी राइट एंगल पूछ लेता है तो क्या होगा, 90 डिग्री का। दूसरा है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल एक सीधी लाइन के ऊपर बनता है, और जब लाइन के ऊपर हम एंगल बनाते हैं तो वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। नेक्स्ट है सेट ट्रू और फॉल्स। द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल, आपके पास कोई भी एक्यूट एंगल होता है क्या वो लेस देन 90 डिग्री होता है। हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें यही दिया हुआ था कि कोई भी अगर 90 डिग्री से कम का एंगल होता है तो वो हमारे पास कैसा होता है, एक्यूट एंगल। और यहाँ भी क्या दे रखा है कि एक्यूट एंगल है वो लेस देन 90 होता है, तो क्या बोल देंगे, ट्रू। नेक्स्ट है द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल लेस देन 90। अब ऑब्ट्यूज एंगल तो लेस देन 90 नहीं होता, ऑब्ट्यूज एंगल तो क्या होता है, ग्रेटर देन 90। इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, फॉल्स, क्योंकि लेस देन के लिए तो हमारे पास एक्यूट एंगल होता है और ग्रेटर देन के लिए ऑब्ट्यूज होता है, बट यहाँ लेस देन दे दिया तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। द मेजर ऑफ रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180। आपके पास कोई भी रिफ्लेक्स एंगल है, रिफ्लेक्स क्या होता है, उसी का उल्टा, तो वो हमारे पास क्या दे रखा है कि ग्रेटर देन 180, कि कोई भी रिफ्लेक्स एंगल जब हम ड्रॉ करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, 180 से बड़ा होगा, 180 से बड़ा होगा। ये हमारे पास ट्रू है कि रिफ्लेक्स एंगल जब हम ड्रॉ करते हैं तो 180 से बड़ा होता है। नेक्स्ट है द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन 360। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, कोई भी जब हम एंगल ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए आपके पास लाइन है, इसके ऊपर जब भी हम लाइन एंगल ड्रॉ करते हैं तो कंप्लीट ऐसे एक इधर से इधर बना दिया, इधर से ऐसे यहाँ ऐसे ये बन गया। यहाँ से जब हमने शुरू किया तो ऐसे ऐसे करके हमारे पास कंप्लीट हो गया। एक कंप्लीट जब रिवॉल्यूशन ड्रॉ हो जाता है उसको हम कितने डिग्री का एंगल बोलते हैं, 360 डिग्री का एंगल बोलते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, ट्रू। नेक्स्ट है इफ़ मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 53। एंगल ए 53 है और एंगल बी 35 है। अब इनमें से देखो बड़ा कौन है, एंगल ए बड़ा है, तो क्या लिख रखा है, देन मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ एंगल बी। ये हमें देखने से पता चल रहा है कि एंगल ए है वो 53 दे रखा है, एंगल बी 35 है, तो कौन बड़ा है, एंगल ए, और इन्होंने भी क्या दे रखा है, एंगल ए को बड़ा दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट है राइट डाउन द मेजर ऑफ, हमें कोई भी अपने पास से नोटेशन लिख देंगे, सम एक्यूट एंगल, कुछ एक्यूट एंगल्स के बारे में। एक्यूट एंगल्स क्या होता है, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कम होता है। 90 डिग्री से कम के लिए कोई भी एंगल लिख सकते हैं हम, 25 लिख दिया, 63, 73, 81, 80, 72, 73, कुछ भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, उसको हम क्या बोल देंगे, एक्यूट एंगल। बस हमारे पास कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो एक्यूट एंगल है वो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। सम ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल लिखेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल की कंडीशन क्या होती है कि 90 से तो हमारे पास क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, बट 180 से हमारे पास क्या होना चाहिए, छोटा। 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा आएगा हमारे पास एंगल। अब 90 और 180 के बीच के जो एंगल है वो लिख देंगे 105, 120, 130, 110, 130, 160, 140, सभी क्या आ गए, इसके बीच में आ गए, तो सबको हम क्या बोल देंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट है मेजर द एंगल गिवन बिलो यूजिंग द प्रोटेक्टर एंड राइट। आपको प्रोटेक्टर का यूज करना है और आपको जो फिगर दे रखी है इसमें बताना है कि कितने डिग्री का एंगल है। प्रोटेक्टर का यूज हम कैसे करेंगे, देखो ये हमारे पास एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर हम ऐसे करके प्रोटेक्टर रखेंगे, ऐसे ये हमने प्रोटेक्टर रखा, बिल्कुल इस पॉइंट से हमने इसको मैच किया, और ये जो हमारे पास इधर लाइन थी उस लाइन के ऊपर रख लिया बिल्कुल हमने ऐसे। अब ये देखो कितने डिग्री का है, ये यहाँ पे 40 डिग्री का है, तो इसको हम क्या बोल देंगे कि ये कितने डिग्री का है, 40 डिग्री। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड, अब सेकेंड फिगर में भी ऐसे ही दे रखा है, सेकेंड फिगर में देखो ऐसे रखेंगे, प्रोटेक्टर को हमने रखा, प्रोटेक्टर को रखने के बाद हमने देखा कि कंपास पे कितने डिग्री, यहाँ है हमारी लाइन, ये जो लाइन है ये कितने डिग्री पे है, देखो ये हमारे पास ऐसे करके
बिल्कुल इधर से इधर सीधी आ रखी है ये सीधी लाइन। देखो 50 50 तो हो नहीं सकता, क्यों? 50 का होता तो 90 डिग्री से इधर होता हमारे पास, तब 50 का था। अब 90 से इधर है तो मीन्स 50 की बजाय दूसरा कौन सा है हमारे पास, 130। तो ये किसका होगा, 130 डिग्री का। ये हमारे पास कितने डिग्री का है, बिल्कुल सीधा ये लाइन है और ये लाइन है, ये कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। ये सीधा कितना का है, 90 डिग्री का। नेक्स्ट है हमारे पास, अब ये एंगल देखते हैं। इसके ऊपर ऐसे कंपास रखेंगे और ऐसे करके करेंगे तो हमारे पास देखो कितने डिग्री का एंगल बनाता है ये लाइन। ये आ गई हमारे पास ये लाइन, कितने डिग्री का एंगल है, 60 का। 120 का कब होता, जब इधर से चेक करते तो 120 का होता, बट इधर से चेक कर रहे हैं तो वो कितने का है, 60 का। अब इसको यहाँ भी चेक करेंगे तब भी हमारे पास कितने डिग्री का बन रहा है, ये 60 डिग्री का बन रहा है तब भी हमारे पास है। अब इसको तीनों जगह चेक करके दिखा देंगे, हर एक जगह हमारे पास क्या बनेगा, ये 60, ये भी 60, ये हमारे पास बड़ा बनेगा। नेक्स्ट है, विच एंगल हैज़ ए लार्ज मेजर, फर्स्ट एस्टिमेट एंड देन मेजर। क्या बोल रखा आपको कि इन दोनों में से कौन सा एंगल बड़ा है। लार्ज फर्स्ट एस्टिमेट, सबसे पहले हम एस्टिमेट देखेंगे कि नियरली, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, देन मेजर, तब हम मेजर करेंगे। अब देखो ये बता रखा आपको, जो सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली, एक लाइन मान लिया ऐसे ड्रॉ कर ली, ये हमारे पास क्या हो गई, 90 की। अब 90 की जो ये लाइन है, अगर इससे इधर है हमारे पास तो 90 से कम का एंगल है, और इस लाइन से इधर आ गया तो 90 से बड़ा है हमारे पास एंगल। ये हमारे पास होती है इसकी कंडीशन। अब देखते हैं एंगल ए और एंगल बी। एंगल ए के अंदर हमारे पास क्या दे रखी है, एंगल ए हमारे पास दे रखा है 40 डिग्री। अब एंगल ए की अगर मैंने मेजरमेंट निकाली तो हमारे पास एंगल ए कितने का है, 40 डिग्री का। एंगल ए हमारे पास ये है 40 डिग्री, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है, एंगल बी। एंगल बी हमारे पास कितना है, 120 और 110 के बीच में है, तो 115 आएगा, वही मैंने गलती से लिख रखा है 115। ये हमारे पास कितने का आ जाएगा, 115 का आ जाएगा। तो इसको हम क्या बोल देंगे कि हमारे पास ये जो है, दोनों फिगर से ही हमें पता चल रहा है कि कौन सा एंगल बड़ा होगा, एंगल बी। एंगल बी हमारे पास क्या है, एंगल बी हैज ए लार्ज मेजर, कि एंगल बी है वो बड़ा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम दीज टू एंगल्स विच आर हैज़ लार्ज मेजर। इन दो एंगल्स में से कौन सा एंगल बड़ा, एस्टिमेट एंड देन कन्फर्म बाई मेजरिंग। एस्टिमेट करो। अब देखो सबसे पहले देखो यहाँ देखते हैं, ये कम है और ये ज़्यादा है। ये अगर कम है तो छोटा एंगल होगा, और ये ज़्यादा है तो ये बड़ा एंगल होगा, देखने से पता चल रहा है ना। जो हमारे पास कम के लिए बनी हुई है ऐसे, तो वहाँ कम बनेगा, और जो बड़ा बनता जाएगा, जितना बड़ा बढ़ता जाएगा स्पेस, उतना ही एंगल बढ़ता जाएगा। बाई ऑब्जर्वेशन ऑफ फिगर, फिगर के ऑब्जर्वेशन से हमें पता चल रहा है सेकेंड एंगल हैज ए लार्जर, कि जो सेकेंड एंगल है वो कैसा है, बड़ा है। नेक्स्ट है 7th, फिल इन द ब्लैंक्स विद एक्यूट ऑब्ट्यूज एंड राइट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन दैट ऑफ ए राइट एंगल इज, अगर हमारे पास ये बोल रखा है एक एंगल है हुज मेजर, जिसकी मेजरमेंट इज लेस, कम है, देन किससे, एक राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। एक ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट 90 डिग्री से कम है, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए राइट एंगल, एक ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट एक राइट एंगल से बड़ी है। राइट एंगल मीन्स 90, 90 से बड़ी है तो कैसा एंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट है एन एंगल हुज मेजर इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू राइट एंगल इज, हमें क्या बताना है, एक एंगल हुज मेजर, उसको मेजर करो, इज द जो है सम ऑफ द मेजर ऑफ टू राइट एंगल, दो राइट एंगल्स का सम। दो राइट एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का, और 90 90 दोनों का सम कर देंगे 180, और 180 का एंगल होता है तो वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पे होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट है व्हेन द सम ऑफ टू मेजर्स ऑफ द टू एंगल्स, दो एंगल्स का सम करेंगे, इज दैट ऑफ ए राइट एंगल, देन ईच
वन ऑफ देम इज, कि उन दोनों का सम क्या है, कि राइट एंगल, कि ऐसे दो एंगल्स हैं जिनका सम, ए और बी हमारे पास दो एंगल हैं जिनका सम क्या है 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री इन दोनों का सम है तो इट मीन्स दोनों 90 से कम है, दोनों 90 से कम है तो कैसे एंगल है, दोनों एक्यूट एंगल। नेक्स्ट है, व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स, दो एंगल्स का सम इज दैट ऑफ ए स्ट्रेट एंगल, एक स्ट्रेट एंगल है, एंड इफ वन ऑफ देम इज एक्यूट, उनमें से एक एक्यूट है, देन द अदर शुड बी। अब देखो दो एंगल्स का सम कितना है, 180 है, और दो एंगल दे रखे हैं आपको ए और ए बी। अब ये बोल दिया जो आपके पास बी है वो एक्यूट है, एक्यूट मीन्स 90 से कम है, 90 से कम है तो मान लिया 88 मान लिया, तो अगर इसमें से हम 88 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 92 आएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा, और 92 हो गया तो ये कैसा हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, तो अगर एक एक्यूट है तो दूसरा क्या होगा, ऑब्ट्यूज। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में आपको ये फिगर दे रखी है, फिगर में से हमें बताना है कि कितने डिग्री का एंगल है, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल शो इन ईच फिगर, हर एक फिगर से बताना है। अब फर्स्ट फिगर देखो, फर्स्ट फिगर में हमने ऐसे कंपास रखा और इसके ऊपर ऐसे रखेंगे तो हमारे पास कितने डिग्री का आया, ये आया आपके पास, ये जो लाइन है देखो ये है आपके पास, यहाँ है ना लाइन दिखाई दे रही है आपको, तो ये लाइन है ऐसे करके सीधा कर दिए, ये लाइन कितने 30, क्योंकि अगर इधर की साइड होता ये जो हमारे पास लाइन इससे इधर की जाए 90 से उधर जाता तो 150 होता, बट इधर है तो हमारे पास कितने का है, ये 30 का है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब देखो 90 के लिए बिल्कुल सीधा होता है, 90 से इधर आ गया तो 90 से बड़ा होगा, 90 से बड़ा होगा तो देखो क्या होगा, ऐसे रखेंगे प्रोटेक्टर, और इधर है ये हमारे पास, ये रहा ये जो लाइन है देखो यहाँ है ये लाइन, इसको इसके ऊपर करेंगे तो क्या आएगा 120, तो ये एंगल हमारे पास कितने का है 120 डिग्री का। नेक्स्ट है हमारे पास, प्रोटेक्टर को इसके ऊपर रखेंगे ऐसे करके, ये हमारे पास देखो ये दिखाई दे रही ये लाइन है ऐसे, इधर से अगर हमारे पास ये लाइन स्टार्ट हुई ये कहाँ गई ऐसे 60, तो ये हमारे पास कितने का है 60 डिग्री का। एंड लास्ट है हमारे पास ये, अब ये 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा है तो हमें इधर चेक करना है, इधर चेक करेंगे तो ये कितने डिग्री का है 150 डिग्री का, ये हमारे पास क्या आ गया 150 डिग्री। नेक्स्ट है, फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इन ईच फिगर, हर एक फिगर में आपको दे रखा है कि एंगल बताना है हमें कितने डिग्री का है। अब देखो यहाँ जो एंगल है ये कितने डिग्री का एंगल बना रखा है, ऐसे करके रखते हैं बिल्कुल सीधा, ये लाइन थी इस लाइन के ऊपर रख लिया बिल्कुल सीधा, कितने के ऊपर जाता है 90 के ऊपर, तो ये फर्स्ट हमारे पास कितना है 90 डिग्री। सेकंड, अब सेकंड का मेजर करेंगे, सेकंड का मेजर करेंगे तो या तो इसके ऊपर रखेंगे या इसके ऊपर रखेंगे, उसके लिए हमें इसको थोड़ा सा ऐसे टर्न करना पड़ेगा, और टर्न करके देखो जब हम इसके ऊपर रखते हैं बिल्कुल एज इट इज ऐसे रखा हमने, तो ये हमारे पास कितने डिग्री का आता है, मेजर करके ऐसे रखते हैं, ये हमारे पास कितने डिग्री का आता है 40 डिग्री, ये हमारे पास क्या आया 40 डिग्री का, तो इसको हम क्या लिखेंगे 40 डिग्री। नेक्स्ट है हमारे पास ये आपके पास देखो क्या आएगा, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनता है तो कितने का बनता है 180 डिग्री। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन है, नेक्स्ट आपकी इन्वेस्टिगेशन है, क्या इन्वेस्टिगेशन इन द गिवन फिगर, आपको एक फिगर दी हुई है द एंगल मेजर 30 डिग्री, लुक एट द सेम फिगर थ्रो ए मैग्नीफाइंग ग्लास, एक मैग्नीफाइंग ग्लास है जिसके ऊपर सेम फिगर है, डज द एंगल बिकम्स लार्जर, तो क्या ये एंगल बड़ा होगा, डज द साइज ऑफ द एंगल चेंज, और एंगल का साइज है वो चेंज होगा, बिल्कुल भी नहीं। देखो आपके पास एक तो ये फिगर है इसमें और एक इसमें फिगर दे रखी है, यहाँ पे हमारे पास क्या है 30 डिग्री, अगर हम इस इतनी बड़ी फिगर में बनाएंगे तब भी हमारे पास 30 डिग्री, ये यही रहेगा 30 डिग्री, तो ये तो यही ओपन होगा ना, जितना यहाँ ओपन हुआ उतना यहाँ ओपन होगा, तो क्या बोल देंगे नो द मेजर ऑफ एंगल विल बी सेम, कि एंगल की जो मेजर है वो हमारे पास कैसी रहेगी, सेम रहेगी, फिगर चाहे कितनी भी बड़ी हो या फिर कितनी भी छोटी हो। नेक्स्ट है, लास्ट है, मेजर एंड क्लासिफाइंग ईच एंगल, हर एक एंगल की क्लासिफिकेशन करेंगे और मेजरमेंट करेंगे। सबसे पहले क्या है,
एंगल ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी। अब देखो इट मीन्स यहाँ पे रखेंगे हम, और बी के लिए देखते हैं सबसे पहले, ये हमारे पास बी पॉइंट है, बी पॉइंट है तो यहाँ कितने डिग्री है, 40 डिग्री है, तो एंगल ए ओ बी कितना आ गया 40 डिग्री, और 90 डिग्री से कम है तो कैसा एंगल होगा, एक्यूट एंगल। नेक्स्ट है हमारे पास एंगल ए ओ सी, ए ओ सी। अब देखो इस पूरे को देखना है हमें, तो यहाँ हमने ऐसे ही कंपास रखा, इधर से ऐसे करेंगे, और सी हमारे पास ये इधर है सी, ये हमारे पास कितने डिग्री का है, 130 डिग्री का है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 130 डिग्री, और 90 से बड़ा और 180 से छोटा है तो क्या होगा, ऑब्ड्यूस एंगल। नेक्स्ट है बी ओ सी, बी ओ सी, अब इसके ऊपर ऐसे रखो, इसके ऊपर जब हमने कंपास रखा तो कंपास रखने से देखो क्या देते हैं वैल्यू, ये हमने कंपास रखा, ये बी पॉइंट है हमारा, इस लाइन से मैच किया, और इधर हमारे पास सी पॉइंट है, तो ये कितने डिग्री का देता है, 90 डिग्री का, तो ये क्या हो गया 90 डिग्री, और 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो क्या होता है, राइट एंगल। नेक्स्ट है डी ओ सी, डी ओ सी, ऐसे ही डी के ऊपर कंपास रखेंगे, और देखो ये हमारे पास ये आ गया, और इधर ये लाइन सीधी आ गई, सीधी लाइन आ गई, तो ये भी 90 डिग्री, 90 डिग्री है, तो इसको भी क्या बोल देंगे हम, राइट एंगल। डी ओ ए, डी ओ ए, अब इसके ऊपर देखो, डी के ऊपर रख लेंगे हम, ये हमारे पास है डी, ऐसे करके डी के ऊपर रखा, अब इधर देखो ये यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, तो यहाँ देखो क्या है एंगल, 140, तो इसको क्या लिख देंगे, 140 डिग्री, और 140 डिग्री है तो कैसा एंगल होगा, ऑब्ड्यूस एंगल। नेक्स्ट है एंगल डी ओ बी, डी ओ बी, अब देखो सीधा डी ओ बी, तो ये पूरी की पूरी सीधी लाइन है, लाइन के ऊपर जब एंगल बन गया तो कितने का बनेगा, 180 डिग्री का, और 180 डिग्री का जो लाइन एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। एक ऐसा एंगल जो हमारे पास मेजरमेंट है जिसकी 180 डिग्री है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.4। ओके, थैंक यू।